नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूट ऑफ इंजेक्शंस एंड आपको इंजेक्शन कैसे लगाने हैं, कौन कौन से रूट में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगे इंजेक्शन लगाने के, वो ही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको कंप्लीट बताएंगे कि इंजेक्शन आपको कैसे लगाने हैं और मेन जो साइट्स होती हैं हमारी इंजेक्शन लगाने की, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, जो भी हैं मेडिकल से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल तो पे दोस्तों रेगुलर आते आज रहते के हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ इंजेक्शंस और कौन कौन से जो मेन हमारे रूट्स होते हैं उनके द्वारा इंजेक्शंस को हम कैसे लगा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो इंजेक्शन से हम लगाते हैं वो कौन सी डोजेज फॉर्म होती है हमारी। डोजेज फॉर्म का मतलब आप अच्छे से समझते होंगे अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो। दोस्तों डोजेस फॉर्म ये हमारी होगी पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म। पेरेंट्रल ही बेसिकली हमारी दी जाती है इंजेक्शंस के द्वारा। तो पेरेंट्रल डोजेस फॉर्म क्या होती है? एक स्टराइल स्टराइल सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, जिसको एक लिक्विड और ऑयली फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली ये एक ऑयली फॉर्म में जो ड्रग होती है वो ही इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा, मस्कुलर नहीं बोल सकते, मतलब जो इंट्रावीनस है, जो भी ये पेरेंट्रल रूट्स हैं इनके द्वारा दी जाती हैं। मतलब ये ड्रग पेरेंट्रली क्यों दी जाती है पहले वो बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो मतलब उनका जो एक्शन है, जो हम अगर ओरली लेते हैं उसको, तो वो डिक्रीज हो जाता है स्टोमक के अंदर, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और मतलब उसका जो टाइम ऑफ एक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से अगर आपको फास्ट एक्शन चाहिए, कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एक फास्ट एक्शन चाहिए किसी ड्रग का, तो बेसिकली आपने भी देखा होगा कि पेरेंट्रल ही यूज किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंजेक्शन के और भी बेनिफिट है। कुछ ड्रग्स होती हैं जो नोजियस होती हैं, मतलब कड़वी ड्रग्स होती हैं जो इनको इजीली ओरली हम ले नहीं सकते हैं। मतलब चिल्ड्रंस में भी ये ज्यादा दिक्कत आती है और एडल्ट पेशेंट हैं उनमें भी ये दिक्कत आती है। तो इस वजह से ये रूट बहुत अच्छा रूट है। इनमें मतलब डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो हमारी ड्रग है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और भी अदर रूटेड रूट हैं, मतलब जिनके द्वारा ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, वो ही आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इंजेक्शन कैसे क्या लगाना है, किस पोजीशन पे लगाना है, वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साइड में स्लाइड्स चलती रहेंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूं आपको। तो फर्स्ट बता दिया पेरेंट्रल के बारे में, अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट कौन कौन से होते हैं मेनली बॉडी में पेरेंट्रल प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा एक इंपोर्टेंट रूट होगा आईवी इंट्रावेनस, मतलब इसमें डायरेक्टली जो ड्रग है हमारी वेन्स, जो ब्लड वेन्स होंगी उनके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे उनका एक्शन बहुत ही फास्ट होगा। मतलब जो ड्रग आईवी के द्वारा दी जाती है उनका जो एक्शन होता है वो 100% होता है। तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है। इसके अलावा सेकंड हमारा है इंट्रा मस्कुलर, मतलब मसल्स में बेसिकली ड्रग को डिलीवर किया जाता है। जैसे वैक्सीन्स लगाई जाती हैं वो मेनली मसल्स में ही लगाई जाती हैं। अब इनके भी फर्दर टाइप्स देखेंगे कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं वो भी हम आगे देखेंगे, पहले देख लेते हैं टाइप्स के बारे में ही। तो सेकंड हो गया हमारा इंट्रा मस्कुलर। थर्ड है सबक्यूटेनियस, जो लेयर होती है डर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस, उसी को हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस। तो सबक्यूटेनियस लेयर में भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा हो गया इंट्रा डर्मल, जो स्किन की आउटर लेयर होती है उसको हम इंट्रा डर्मल बोल सकते हैं, वहां पर भी कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उनकी साइड्स के बारे में हम दिखाएंगे आपको। और दोस्तों जैसे अब ये चार हो गए, ये बेसिक मेनली यूज होते हैं, ये हर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अदर रूट है जैसे इंट्रा आर्टियल हो गया, इंट्रा कार्डियक हो गया, इंट्रा सिस्टर्नल हो गया। इसके अलावा और भी रूट्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों
ये हो गए टाइप्स ऑफ रूट। अब देख लेते हैं कि इनको कैसे लगाते हैं, मतलब इन रूट में इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। और दोस्तों अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप किसी भी फिजिशियन या फिर उसके सलाह से ही करिए, मतलब अपने दिमाग से कुछ मत करना, वो बताएं वैसे ही करना है। बस मैं आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आज के इस वीडियो में बता रहा हूं कि क्या क्या पोजीशन होती है इंजेक्शन लगाने की। आप साइड में स्लाइड में भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उससे। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रामस्कुलर के बारे में देख लेते हैं। तो जो इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन होगा वो बिल्कुल 90 डिग्री की एंगल में होगा, क्योंकि जो इंट्रा मसल्स होती हैं हमारी वो बहुत नीचे होती है, तो इंजेक्शन की साइज होगी वो इतनी होगी कि आपको पूरा इंजेक्शन अंदर तक लगाना है तभी वो मस्कुलर मसल्स में जा पाया होगा। आपने देखा होगा वैक्सीन लगवाई होगी तब पूरा इंजेक्शन अंदर जाता है, मतलब वो मसल्स में जा रहा है। तो इसका मतलब इंट्रा मस्कुलर का एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल सीधा लगाना है मसल्स से तभी वो मसल्स में लग पाएगा। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड देख लेते हैं हम सबक्यूटेनस, लेयर वाइज देखेंगे, लेयर वाइज चलो लेयर वाइज रहने देते हैं, नीचे से देखते हैं। पर नीचे नीचे मस्कुलर आ गया, मस्कुलर के ऊपर आएगा सबक्यूटेनस या हाइपोडर्मिस। तो आपको स्किन की स्ट्रक्चर तो दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। इसमें देखिए फर्स्ट लेयर है इसकी एपिडर्मिस, सेकेंड है डर्मिस, थर्ड है सबक्यूटेनस या हाइपोडर्मिस, लास्ट है मसल्स। तो मसल्स का हमने देख लिया। अब जो सबक्यूटेनस लेयर है उसमें जो इंजेक्शन लगेगा वो 45 डिग्री के एंगल में लगाया जाएगा। वो आपको इधर दिख रहा होगा, उससे भी आप समझ सकते हैं कि कैसे लगाया जाता है। मतलब 45 डिग्री के एंगल में होगा तो वो उतनी ही अंदर जाएगा जहां तक सबक्यूटेनस लेयर उसको मिल जाती है, तो वहां पर इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है हमारा इंट्रा वेन, मतलब अब वेन का ये पता होना चाहिए कि आप कहां लगा रहे हैं। आपको अगर कोई जगह वेन नहीं है तो वहां आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो इसका एंगल बता देता है, उसका 25 डिग्री का एंगल होगा बॉडी के अंदर। तो उसके और आपको पता होनी चाहिए कि वेन वेन में लगा रहे हैं या कहां कहीं और ही अपन यूज कर रहे हैं। तो ये आपको जिससे भी आप ट्रेनिंग लोगे वो आपको सब कुछ बताएंगे। तो आपको ये डायरेक्टली ब्लड में लगाना है, जो ब्लड वेन्स होती हैं, इसका 25 डिग्री का एंगल होगा। इसके अलावा लास्ट है हमारा इंट्राडर्मल, जो स्किन की अपर लेयर होती है उसके ऊपर लगाना है। साइड में स्लाइड में देखते रहना आप, जिससे आपको और भी समझ में आ जाए। तो इंट्राडर्मल में हमें स्किन की जो अपर लेयर है एपिडर्मिस है उसमें इंजेक्शन लगाना होता है। तो इंजेक्शन उसमें थोड़ा स्किन को पुलअप करना है, मतलब ऊपर उठा के उसमें इंसर्ट करना है। इसका एंगल होगा मेनली 10 डिग्री से 15 डिग्री, मतलब अपर लगाना है तो आप इजिली लगा सकते हैं अगर स्किन को उठा के, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस इंट्रामस्कुलर का आपको डायरेक्ट 90 डिग्री। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंजेक्शन की जो पोजीशन है वो कहां पर रखनी है आपको। तो अब इसके अलावा देख लेते हैं कि जो रूट है उनमें हमें कहां कहां इंजेक्शन लगाए जाते हैं, कहां कहां लगाने होते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं इंट्रामस्कुलर में। तो इंट्रामस्कुलर में मेनली आपको साइड में भी दिख जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। फर्स्ट लगाते हैं डेल्टॉइड मसल्स ऑफ आर्म, जो आर्म की डेल्टॉइड मसल्स होती हैं मेनली, मतलब ये और जो हिप है उसका मेनली ज्यादा यूज किया जाता है ज्यादातर इंजेक्शन में जो इंट्रामस्कुलर होते हैं। तो सेकंड फर्स्ट हो गया हमारा डेल्टॉइड मसल्स ऑफ आर्म, सेकंड हो गया वास्टस लेटरल मसल्स ऑफ द थाई, जो थाईज की लेटरल मसल्स होती हैं साइड वाली उनमें ये लगाया जाता है। उसके अलावा वेंट्रोग्लूटियल मसल्स ऑफ हिप, जो हिप की ग्लूटियल मसल्स होती हैं उनमें भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा जो डोर्सो ग्लूटियल मसल्स होती हैं बटकोल की, तो उसमें भी लगाया जाता है। तो ये चार टाइप्स हो गए इसके, आप इन ट्रिक्स में देख सकते हैं कि कैसे कहां कहां ये लगाए जाते हैं। सेकंड चलते हैं अपन इंट्राडर्मल की तरफ। तो इंट्राडर्मल आपको पता ही है मेनली स्किन की अपर लेयर पे लगाया जाता है, तो इसको आप हैंड में कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सबक्यूटेनस में, तो सबक्यूटेनस में क्या होता है कि आपको इसकी स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, जैसे अपर आउटर एरिया ऑफ आर्म हो गया,
आर्म्स हमारी अपर और आउटर एरिया को आर्म हो गया यहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बट कॉल्स है तो उसमें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हिप है उसकी आउटर लेयर में लगा सकते हैं। इसके अलावा आईवी देख लेते हैं, तो आईवी मेनली जो हैंड होता है, रिस्ट होता है यहां पर, और यहां पर मेनली जो हमारी वेन्स होंगी उन्हीं में यूज किया जाता है इसका। तो दोस्तों ये हो गए हमारे सभी के बारे में, लगभग हमने बता दिया है, आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों फिर बता रहा हूं मैं, आप ये मतलब खुद ट्राई मत करना इस वीडियो को देख के, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बताया है। आप जहां भी ट्रेनिंग लो तो आपको पता रहे, अगर आपसे डॉक्टर से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो डॉक्टर आपको बोलेगी ये इंजेक्शन ऐसा लगाना रहे, तो आपको याद आए कि हाँ हमने वहां पर एक वीडियो देखा था, उसमें बताया था कि जो मस्कुलर है वो 90 डिग्री पे लगता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ मुझे पता है कि 90 डिग्री पे लगेगा। वो बोलेंगे आपको कि 90 डिग्री पे लगाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे लगाना है। बस उसी के पर्पज से वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे कुछ अलग से टॉपिक लेके आएंगे, आपको हमारे चैनल पे फार्मेसी और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।